हेलो एवरीवन वेलकम टू यू के बैडमिंटन और आज इस वाले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अपने बैडमिंटन रैकेट पर रबर ग्रिप को चाड़ सकते हो तो ये वाली मैंने एक वीएस ग्रिप ली है अपने पास की स्पोर्ट्स शॉप से जो कि उसके पास में नया स्टॉक आया था नॉर्मली मैंने योनस ली की ग्रिप्स को ट्राई किया हुआ है तो इस बार ये नया मेरे को ग्रिप का ब्रांड दिखा तो मैंने इसको ट्राई आउट करने का सोचा ये प्रो डी एस सी मैंने ये दो ग्रिप्स ली थी प्रो डी एस सी मेरे को पड़ी सेवेंटी रुपीज़ की और ये वी वाली पड़ी फिफ्टी रुपीज़ की और इस वाले रैकेट में मैं वी एस वाली चढ़ाऊंगी क्योंकि लाइक पी वी एस और वी एस एस काइंड सेम इसका कोई असिस्टेंस तो बनता नहीं बट ठीक है इसका रेट जो मैं आपको बाद में बताऊंगा और ये इट्स लाइक कि योनिक्स और जो लिनी की ग्रिप्स आती है उसकी एकदम हाफ रेट पे मिलती है और क्वालिटी इसकी मेरे को बहुत अच्छी लगी तो ये वाली ग्रिप को अगर आपको मिले तो आप ट्राई कर सकते हो तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको इसको ग्रिप करना है तो पहले आपको ग्रिप को खोल लेना पूरा और ऊपर से जो जो प्लास्टिक का इसके ऊपर एक कोटिंग हो रखा है इसको निकाल लेना है ये प्लास्टिक की शीट है जो कि आपकी ग्रिप के जो ऊपर का सरफेस होता है उसको स्क्रैचेस और गंदगी से बचाता है जब ये ट्रांसपोर्ट होती है और जब आप इसको लगा लेते हैं तो आप ऑब्वियसली इसको निकाल लेना याद से यहाँ पर नीचे साइड पर एक टेप मिलता है जो कि आपको रैकेट के अपने बॉटम साइड पर चिपकाना है और फिर अपने रैकेट को ग्रिप करना है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर आपका राइट हैंड ग्रिप है तो फिर आप इसको एंटी क्लॉक ग्रिप करोगे और अगर आपको क्लॉक ग्रिप करना है तब आपको लेफ्ट हैंड वाली ग्रिप लेनी चाहिए तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने बताया था कि इसकी क्या रीजनिंग और क्या है तो ऐसे करके मैं इसको ग्रिप कर रहा हूँ और जो ग्रिप की जो विड्थ है उसका हाफ पोर्शन रख के मैं उसको ओवरलैप कर रहा हूँ जो कि आप देख सकते हो तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी ग्रिप जो है एकदम इवनली अपने रैकेट पे हैंडल तो लगती है और इसका जो फिनिशिंग होता है वो काफ़ी अच्छा आता है तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे को काफ़ी एक्स्ट्रा ग्रिप बच गई है तो लोग क्या करते हैं कि इसको ना अपना रैकेट के पूरे ऊपर हैंडल तक ग्रिप कर लेते हैं लाइक जो ग्रिप है पूरी शाफ्ट तक पहुँच जाती है ऐसे करके तो ये मेरे को काइंड ऑफ गलत लगता है ऑल कुछ केसेस में इसका फ़र्क पड़ता है कुछ केसेस में नहीं पड़ता बट हाँ अगर आप अपने घर पे ग्रिप कर रहे हो तो जब के पास में टूल्स हैं तो फिर आप ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हो तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं एक यहाँ पे एक काइंड ऑफ एस्टीमेट ले रहा हूँ कि मेो कितने साइज uh, तक की ग्रिप रखनी है और uh, फिर मैं जो एक्स्ट्रा ग्रिप है उसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ तो ये मेरे को एक काफ़ी मतलब अच्छा चीज़ लगता है जिसकी वजह से मतलब ग्रिप जो है ना काफ़ी अच्छे से आपके रैकेट के हैंडल पर बैठती है तो यहाँ पर मैंने जो एक्स्ट्रा हटा दिया था और अब ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन है इसमें मैं क्या करता हूँ ना कि जो ब्लेड से या फिर अपना आप सेजर से भी कर सकते हो तो जैसा कि एंगल जो नीचे वाले पोर्शन में मिला था वही सेम एंगल हम ऊपर भी बना देते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि जब आप उसको वापस से ऐसे रोल करते हो ना तो आपका पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन में ग्रिप अपने आ, रैकेट से अलाइन हो जाती है और फिनिशिंग उसकी काफ़ी अच्छी आती है तो अब उसके साथ में जो एक्स्ट्रा मास्किंग टेप मिलता है उसको हम उसका जो पीछे का बैकिंग पेपर होता है उसको निकाल लेते हैं और अपने रैकेट पे रैकेट की ग्रिप को उसको फिनिश ऑफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है कि नीचे से भी आपने जो टेप था वो लगा था और ऊपर भी एक टेप लग गया तो आपका जो ग्रिप है वो कहीं भी इधर उधर तो जाता नहीं है और आपको बहुत ही अच्छी ग्रिप की फ़ीलिंग मिलती है तो ये मैंने यहाँ पे ग्रैप रैकेट को ग्रिप कर लिया है काफ़ी इजी है पाँच मिनट का काम होता है तो आप कर सकते हो इनकेस अगर आप अपने जो कोट है वहाँ पे अगर आप ग्रिप करना चाहते हो और आपके पास में सीजर या फिर ब्लेड नहीं है तो आप जो ग्रिप का ऊपर का पोर्शन है ना उसको आप हाफ़ फोल्ड करके भी उसके नीचे अंदर करके उसके ऊपर मास्किन टिप लगा सकते हो तो वो भी एक अच्छा तरीका है जिससे आप इस टेक्निक को कर सकते हो तो ये आप देख सकते हो ग्रिप की फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है मेरे को इसमें अच्छा लगा कि इसमें ग्रिप के पैटर्न बने हुए हैं और इस ग्रिप का मेरे को क्वालिटी काफ़ी अच्छा लगा फिफ्टी रुपीज़ में बहुत अच्छी ग्रिप है और अगर आपको मिलती है तो आप इस ग्रिप को ट्राई आउट कर सकते हैं मैं देखता हूँ अगर मेरे को ऑनलाइन कहीं पे इसका लिंक मिलता है तो वरना आप योनिक से लीनिंग की ग्रिप तो ले सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना दोस्तों के साथ में शेयर करना और मेरे को बताना अगर आपको कोई और टाइप की भी ग्रिप का रिव्यू वगैरह चाहिए कि नहीं तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको और कोई वीडियोज़ देखने हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में